दिनो 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 मैं यहाँ मालूम करने के लिए कि रोड का स्टेटस क्या है तो देखने के लिए आए हैं। मेरे साथ 55 RCC BRO के JE जो पूरे इस एरिया के काम को सुपरविजन करते हैं, तो अपने मशीन और मैन पावर के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। और मेरे साथ SDM है और SHO द्रास है और बाकी सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो 0 पॉइंट तक परसों हमने क्लियर किया हुआ था, ऐसा रिपोर्ट हुआ था, लेकिन इन्होंने कल 2 दिन में आज तक तकरीबन 1.25 किलोमीटर 0 पॉइंट से आगे है सोनामार्ग की तरफ रोड क्लियर किए हैं, जो कि बहुत ही काफ़ी काबिल तारीफ काम इन्होंने अंजाम दिया है। तो हमारे जो ग्रिप के ऑपरेटर्स है, तो ज़्यादातर ये हमारे दराज के लोकल है, तो इनको पता है, इन्हीं की बदौलत ये इतना अचीवमेंट कर पाया। तो उस तरफ से भी इंडिया गेट से काफ़ी आगे रोड क्लियर हुआ है, जैसा कि अभी जी सब बता रहे थे। तो बीच में अभी 2.5-3 किलोमीटर अनकनेक्टेड है, तो हम उम्मीद करते हैं अगले 3 दिन में ये पूरा कनेक्ट हो जाएंगे अगर मौसम साफ रहा तो। तो अभी हमने यहाँ पे जो ऑपरेटर और JE साहब के सुपरविजन में इन्होंने दिन रात एक्स्ट्रा टाइम का मेहनत करके इन्होंने काम को जारी व सरी रखा है, उसके बदौलत जल्दी हो सका है। क्योंकि हमें मालूम है कि पिछले इसी महीने के शुरुआत से पहले हफ्ते में तो तकरीबन 10 तारीख तक हमारा क्लाउडी रहा और बर्फ़ गिरते रहा, इसी वजह से तो ये थोड़ा देरी हुआ है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिन में रोड कनेक्ट हो जाएंगे। तो यही मैं अभी जुजुला के 0 पॉइंट से आगे 700 मीटर आगे तक रोड साफ किया हुआ है, उस पॉइंट से मैं ये बयान कर रहा हूँ, आपको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है।